दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक जबरदस्त और बेहतरीन कहानी। बस आप इस कहानी को पूरा सुनना। जंगल में एक बार गधा और चीता आपस में कई घंटों से बहस कर रहे थे। बात यह थी कि वह गधा बोल रहा था कि आसमान लाल होता है, जबकि वह चीता उसे बार बार यह कह रहा था कि नहीं, आसमान तो नीला होता है। लेकिन वह गधा उस बात को सुनने को तैयार नहीं था। वह अपनी जिद पर अड़ा था कि नहीं, आसमान तो लाल होता है। चीता उसे कह रहा था, नहीं, आसमान नीला होता है, तुम किसी से भी पता कर लेना, आसमान तो नीला ही होता है। लेकिन उस गधे ने फिर कहा कि नहीं, मैंने कह दिया कि आसमान लाल होता है तो लाल होता है। वह गधा बहुत जिद्दी स्वभाव का था। अब गधे की बातों को सुनकर चीते को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि ठीक है, तुम चलो जंगल के राजा के पास, अब वही फैसला करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत, किसकी बात सच है, आसमान नीला है या आसमान लाल है। उस गधे ने कहा कि हाँ चलो ठीक है। वह गधा और चीता जंगल के राजा शेर के पास गए और चीते ने शेर से कहा कि आप हमारी एक बात का फैसला कीजिए और जो हम में से गलत होगा आप उसे जान से मार डालिएगा। तब शेर मुस्कुराया और बोला कि ठीक है, बताओ बात क्या है। उस चीते ने कहा, मैं कब से इस गधे को यह समझा रहा हूँ कि आसमान नीला होता है, लेकिन यह गधा समझने को तैयार नहीं है, यह बोल रहा है कि नहीं, आसमान लाल होता है। तब उस गधे ने उस शेर से कहा कि हाँ महाराज, आसमान लाल ही होता है। गधे की इस बात को सुनकर शेर ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि नहीं, आसमान नीला होता है, लेकिन वह गधा शेर की बात को भी समझने को तैयार नहीं था। तब चीते ने कहा कि महाराज देखिए, यह आपकी भी बात नहीं मान रहा, आप इसका शिकार कर दीजिए। तब उस शेर ने चीते से कहा कि नहीं, मैं इस गधे का नहीं बल्कि तुम्हारा शिकार करूंगा। वह चीता डर गया और उसने डरते हुए कहा कि महाराज, मैंने तो सही कहा है, आसमान तो नीला ही होता है, आप भी कह रहे हैं आसमान नीला होता है, फिर आप मेरा शिकार क्यों करेंगे। तब उस शेर ने उस चीते से कहा, तुम भी एक गधे से बहस कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारा शिकार करूंगा, या तो तुम इस गधे के साथ बहस करना बंद कर दो, नहीं तो अब मैं तुम्हारा शिकार करूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे फालतू और गधे लोगों से बहस करने में अपना समय बिताते हैं जिससे बहस करके कोई फायदा नहीं। अगर आप सही भी हो तो उनके साथ बहस करना बंद कर दो। आपके साथ ऐसी बहुत बातें होंगी जहाँ पे आप सही रहते होगे, लेकिन सामने वाला गलत होने के बावजूद भी आपकी बात को नहीं समझता है और बहस करता है। तो ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए, उनके साथ बहस करके फालतू में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी जरा सी भी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।